सबसे बड़ी बात है ये वही प्लेस है जहाँ पे पीयूष और प्रिया की शादी हुई। यस गाइस, कैसे हैं आप सब? आज अमृतसर में हमारा सेकंड डे है तो गाइस आज भाई दूज, तो आज भाई दूज सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग अमृतसर आए थे। तो आज पूरी फैमिली से मिलवाऊंगा आपको, प्रिया के पापा जी, घर में बच्चे बहुत सारे हैं, एकम मेहर दृष्टि बहुत सारे बच्चे हैं, सबसे मिलवाएंगे आपको और पापा जी से और तानिया से, भैया भाभी टोटली सबसे। तो गाइस ये है तानिया। हेलो गाइस। तो गाइस ये मेरी है साली साहिबा, देखो दोनों की शक्लें बिल्कुल सेम से मिलती है ना? नहीं मिलती। मिलती हैं? नहीं। सारे यही कहते हैं मिलती हैं। तो गाइस आप तानिया को, मेरी लगता कि मिलती है। हाँ तो अपने आप को नहीं लगता बट सबको लगता है कि मिलती है। तो गाइस आप तानिया को फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे जाके, आईडी मैं ऊपर मेंशन कर दूंगा यहाँ पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अभी आपको और भी सबसे मिलवाएंगे। ये मेरे पापा हैं, ये मेरा ब्रदर है रघु, ये दृष्टि है दीदी की बेटी, ये सन्या दीदी हैं, ये उनका बेटा क्यान है, और ये मेरे जीजू हैं। क्यान कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं। क्यों? गाइस ये मेरी दोनों क्यूट सी नीस हैं, दिलनास एंड दृष्टि। हेलो दिलनास, दृष्टि कैसे हो? गाइस ये दोनों मुझे बहुत मिस करती है, ये मुझे फोन कर करके डेली बोलते हैं कब आ रहे हो बुआ, कब आ रहे हो। अब आगे कैसा लग रहा है? गाइस मेरे बुआ आए हुए हैं घर पे पापा को तिलक लगाने के लिए, लगाओ बुआ तिलक। तो गाइस अब बुआ जी पापा जी को लगा रहे हैं टिक्का। हेलो बुआ। हाय कैसे हो? बहुत बढ़िया। मैं शादी के बाद पहली बार आई हूँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, हम आपके साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू बुआ। तो गाइस अब सन्या दीदी वो टिक्का कर रहे हैं। तो गाइस हम मोना दीदी लगा रहे हैं रघु को टिक्का। चंदा परी चांदनी तारे पलियो तो गाइस यहाँ पे सब हो रहे हैं रेडी। हमें पता नहीं है कि हमें कहाँ सरप्राइज़ दिया जा रहा है, बस ये पता है कि हमें सरप्राइज़ पार्टी दी जा रही है और ये सरप्राइज़ पार्टी पूरी फैमिली की तरफ से है। सन्या दीदी, जीजू, भैया, भाभी, मोना दीदी, जीजू सब ने प्लान किया है सरप्राइज़ पार्टी, बट हमें बता नहीं रहा कोई भी कि क्या सरप्राइज़ है, कहाँ ले जा रहे हैं हमें। बस ये पता है कि हमें एज अ डिनर पर ले जाया जा रहा है कहीं पर। तो चलो देखते हैं और करते हैं वेट कि हम कहाँ पर जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे अभी। और अब हम जा रहे हैं पार्टी पे। प्लान है क्या है सरप्राइज हमें भी ये हमें नहीं पता। आपको बताना चाहेंगे हमारा जो आज सरप्राइज था, अभी अबा ने पता कहाँ पे किया था, जहाँ पे हमारी मैरिज हुई है उसी के ही रेस्टोरेंट में उन्होंने हमारे लिए डिनर प्लान किए है। और सीरियसली हमें एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम यहाँ पे आएंगे कि हमारी मैरिज भी इसी होटल में हुई थी, इसी होटल के रेस्टोरेंट में। और बाय डिफॉल्ट कल हमारी मैरिज को 1 month भी हो जाना है और 12 आई थिंक बजने वाले हैं थोड़ी देर में, डिनर के लिए हम जब आए हैं। सो एक्साइटेड, आगे ऊपर चल के देखते हैं क्या है क्या नहीं है। हम आ चुके हैं कुमार इंटरनेशनल के जन्नत रेस्टोरेंट में। ये छोटे भैया हैं, ये छोटे भैया की वाइफ हैं, ये बड़े भैया की वाइफ हैं। गाइस ये मेरे बड़े वाले जीजू हैं और ये मेरी दीदी हैं। सन्या दीदी तो खाने में लगे बिजी हैं अभी। मोना दीदी को दिखा दिया मैंने, सन्या दीदी अभी बिजी है खाने में, बच्चे मस्ती कर रहे हैं कुछ भी। नेहा भाभी वी आर एंजॉयिंग सो मच, सीरियसली वी आर रियली एंजॉय, खाना भी अच्छा है और सबसे बड़ी बात है ये वही प्लेस है जहाँ पे पीयूष और प्रिया की शादी हुई। यस तो गाइस प्रिया खा रही है अभी चीज चाप। प्रिया काफी अच्छा खाना है। तो गाइस अभी ये मोंचो सूप आ गया है, तो बहुत अच्छा है गाइस, इसलिए सबसे पहले मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ मोंचो सूप बहुत ऑर्डर करती हूं। वी आर ऑल्सो हैविंग वेज सूप, वेज मोंचो सूप यहाँ का बहुत यम्मी है। तो गाइस स्नैक्स हो चुके हैं डन, स्नैक के बाद अभी हम मेन कोर्स ऑर्डर करने वाले हैं। भाभी मेन कोर्स में क्या खाओगे आप? आप जो खिलाएंगे हम खा लेंगे प्यार से। वैसे तो मैं नॉनवेज की बहुत शौकीन हूँ, आप इंडियन नॉनवेज ऑर्डर कर लीजिए।
सोनिया दीदी भी नॉन वेज खाएंगे, मैं भी कम्प्लीट वेज हूँ, मैं वेज ऑर्डर करूंगी, ये भी वेज खाएंगे, नाना भी वेज खाएगी, बाकी सब भी नॉन वेज। नेहा मम्मी भी गाइस डिनर हो चुका है डन। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली डिनर।